ये ऐसे सुबह का उजाला इतना जल्दी आ गया, इतनी तेजी से ये किरने कैसे आ रहे थे। तो ये हमारे नौजवानों का और हमारे हमारे हमारी कौम के लोगों का हाल कि जब इंसान को किसी चीज से शबक, किसी चीज से ताल्लुक होता है तो उसका वो उसे ऐसे बीतता है, ऐसे लगता है, उसमें ऐसी लज्जत महसूस होती है, उसमें ऐसी लगन रहती है कि उसे वक्त का एहसास तक नहीं होता। दूसरी तरफ हम अपनी जिंदगियों पर और अपने माहौल और माशरे पर एक नजर दौड़ाए कि तरातल जिसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मस्कून करार दिया, हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन पे जिस पर अमल किया और जिसमें कुरान मजीद का सुनना और सुनना या सुनाना एक मुस्तकिल सुन्नत और एक मुस्तकिल अमल है। और ये वो किताब हकीम है, ये वो किताब मजीद है जो बराह रास्त खुदावंद कुद्दूस का कलाम और उसकी बातचीत है। खुदावंद कुद्दूस की अपनी बातें हैं, अपना कलाम है जो अपने बंदों के साथ करता है। खुदावंद कुद्दूस होया इस कलाम के जरिए से अपने बंदों से हम कलाम हो रहा है, अपने बंदों से बातचीत कर रहा है, लेकिन हमें तरावी में खड़े होते हुए कोई लज्जत महसूस नहीं होती, हमें तो बल्कि किरानी महसूस होती है। और हमारा जो आम माहौल और माशरा है कि जहाँ जल्दी खत्म होगी, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, हरफ महसूस हरफ बाहर निकले या हजफ हो जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बस इमाम साहब वक्त पर आपको घंटे में सलाम फेरकर अजीज मस्जिद से बाहर कर देते हैं, चाहे वो कुरान पढ़ा गया हो या कुरान का मजाक उड़ाया गया हो, हमें तो बस खाना वही करना। और रात रात हम मोबाइल पर इन चैटिंगों में इन महबूब इन महबूब के पीछे माशूम के पीछे सारी रात हम लगाते हैं, पूरी रात हम गुजारते हैं। वो पूरी रात हमारे लिए हैज होती है, कोई हैसियत नहीं होती, वो भी कम नजर आती है। और यहाँ अल्लाह जल्ल जलालहू व अन्ना वालहू का कलाम पढ़ाया पढ़ाया जा रहा है और उसे सुनने में हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है, यहाँ इमाम साहब इतना लंबा पढ़ते हैं। दरअसल ये चीज हमारे अंदर के ईमान की कमी का सबब है। ये तो वो कलाम है जिस कलाम की तिलावत पर, जिस कलाम की समाप्त पर लोगों के दिल बदल गए, लोग ईमान के अंदर दाखिल हो गए। दुनिया नहीं सोच सकती थी कभी कि उमर जैसा जब्बार, उमर जैसा कट्टर आदमी जो अपने कुफर पर कायम था, उमर जैसी शख्सियत जिसने ये कसम खाई थी, ये ठान लिया था कि मैं आज नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन काट कर गर्दन उड़ाकर इत्मीनान का सांस लो। और लोगों ने कहा कुफारों को शहीद मक्का के सरदार मक्का ने कि उमर ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है, किसी और के अंदर इसकी हिम्मत नहीं है, बस ये काम सिर्फ तेरे भाई और जेरा है, कोई और इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो ऐसा सख्त दिल उमर, ऐसा जब्बार उमर, ऐसा कट्टर उमर आया और जब सुनने का मौका हुआ हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरह ताहा की आयतों का, बस चंद आयतें पढ़ी हसमा की, वो चंद आयतें जुबान से निकली या कानों से टकरा कि हजरत उमर के दिल की दुनिया बदल गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जो तलवार लेकर नियाम से निकाल कर नंगी बाहर आए हुए थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की आज गर्दन उड़ा दूंगा, अपनी गर्दन को मोहम्मद रसूलुल्लाह के पदों पर लगा दूंगा। ये कुरान मजीद है कि जिसकी समाप्त पर लोगों की दुनिया की लोगों की दिल की दुनिया बदल जाए। और एक हम है कि हमें कुरान मजीद के सुनने और सुनाने से कोई शर्फ और कोई ताल्लुक नहीं, हमें इसमें कोई लज्जत महसूस नहीं होती बल्कि हमें बोझ महसूस होता है। कभी एक वाक्य अर्ज कर रहा था हजरत हुसैन इब्ने इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह,
किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत हुसैन इब्न इयास रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे अपने वक्त के सबसे बड़े डाकू थे, डकैती में बड़ी महारत थी, आपकी डाकुओं की रोड़ियों की एक टीम थी, और जहां जहां मालूम हो जाए कि हुसैन आ गया है तो लोग अपने रास्ते बदल लेते, काफले अपने अपने रास्ते बदल लेते कि इस रास्ते पर हुसैन है और हुसैन से कभी इत्मीनान से आगे गुजरा नहीं जा सकता, हुसैन आ गया तो फिर सारा काफला तर बतर हो जाएगा, सारा काफला डूब जाएगा। जानता भी हो और बात का भी हो, और किताबों में लिखा हुआ है कि जैसे हमारे समाज में औरतें बच्चों को घरों में डराती हैं कि भूत आ जाएगा, शैतान आ जाएगा, फुला आ जाएगा, उस दौर की माएं हजरत उज़ैर का नाम लेकर डराती थी, इतना रोब और दबदबा, इतनी हैबत हजरत उज़ैर के डकैती और मारपीट की लोगों पर डाली थी। हुसैन आ जाएगा, खाना खा लो, हुसैन पकड़ लेगा, खुला काम कर लो, तो इस तरह से लोगों के दिलों पर हजरत हुसैन की हैबत डाली थी। एक मौके पर काफला गुजरा, हजरत हुसैन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने लोगों के साथ डकैती के लिए आए, सारा काफला लूट लिया, सारे काफले पर डकैती डाली, जो कुछ उठाना उठा लिया, जो कुछ मारना मार दिया, सब कुछ खत्म हो गया। जब वापस हो रहे थे, जैसे डकैती तो रात के वक्त में होती है, दिन में आमतौर पर खुसूसन उस दौर में डकैती नहीं हुआ करती, काफले रात में चलते, बिजली का कोई खास नस नस उस दौर में नहीं था, बस पतीले चलती, दिए चलते, इसी से रात गुजरा करती, और रात में इसलिए सफर होता कि सुबह की धूप और गर्मी में चलना मुश्किल है, तो रात में थोड़ा सा आराम से हम निकल जाए। तो रात का वक्त था, डकैती डाली गई, सब लूट लिया गया, सुबह का वक्त बिल्कुल मलिन था, यानी रात का आखिरी पहर था। हजरत हुसैन इब्ने इयास रहमतुल्लाह अलैह निकल रहे थे, जा रहे थे, इत्तेफाक से काफले के किसी किनारे से आवाज आ रही थी कुरान मजीद की तिलावत की। एक तो कुरान मजीद खुद अपनी जगह, उसकी शान और उसकी अजमत का क्या कहना, और फिर जो शख्स तिलावत कर रहा था वो बड़े दर्द भरे अंदाज में, खुदा से जितना लगाव हो तो अंदाज की उतना ही दर्द भरा होता है, वो शख्स बड़े ही दर्द भरे अंदाज में तिलावत कर रहा था, तो ये आवाज बड़ी सुरीली हजरत हुसैन इब्न इयास के कानों से टकराई। हजरत हुसैन इब्न इयास रहमतुल्लाह अलैह उधर मुतवज्जे हुए, पूछा कि ये क्या है, किसकी आवाज आ रही है, तो लोगों ने बताया, अपने साथियों ने बताया, एक शख्स खड़ा होकर वहां नमाज कर रहा है। हजरत हुसैन इब्न इयास रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंच गए, पहुंचा तो देखते हैं कि एक नौजवान शख्स है, हाथ बांधे खड़ा हुआ है, नमाज के अंदर नाक बांधे खड़ा हुआ है, और बड़ी लज्जत के साथ और बड़े मजे से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, बड़ा दर्द भरा अंदाज था, और उसकी जुबान पर ये आयत शरीफा जारी थी, अलम यहदी लिल्लज़ीन आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़, क्या अभी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि खुदा के जिक्र और जो अल्लाह ने हक नाज़िल किया है उससे उनके दिल काम उठे, उनके दिलों के अंदर कभी खाली हो जाए, उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ खाली हो जाए कि अभी वो वक्त नहीं आया। सूरह हदीद की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं कि अभी कब वक्त आएगा कि अल्लाह के जिक्र और हक बात को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल किया है उसके पढ़ने के बाद अभी लोगों के दिलों के अंदर खौफ कब पैदा होगा। तो ये आयत शरीफा नौजवान बड़े दर्द भरे अंदाज में तिलावत कर रहा था, उसका दर्द भरा अंदाज और कुरान मजीद की ये आयत हजरत हुसैन इब्ने इयास रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर ऐसे तीर के अंदाज में चुभी और ऐसे जख्म कर गई कि हजरत हुसैन इब्ने इयास रहमतुल्लाह अलैह के दिल की दुनिया बदल गई। वो हुसैन जो अब तक डाकू कहलाता था, वो हुसैन जिसके नाम से लोग
और किताबें हजरत हुज़ैर बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत भरी बातों से, हजरत हुज़ैर रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल से भरी हुई है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा वालहु ने कुरान मजीद की एक आयत की समाअत पर हजरत हुज़ैर बिन इयाज़ की दुनिया को बदल दिया। हजरत हुज़ैर फरमाते हैं कि मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि आज ही कुरान मजीद नाज़िल हुआ और आज ही यह आयत शरीफा नाज़िल हुई और ऐसा डर और खौफ अल्लाह का मेरे दिल के अंदर पैदा हुआ कि मैंने अपनी पिछली सारी जिंदगी से तौबा कर। तो अल्लाह बुजुर्गों दोस्तों अर्ज करना यह है कि कुरान मजीद तो अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, जैसे हमें दुनिया के लोगों के कलामों से मोहब्बत और उसके पढ़ने में लज्जत होती है, उनसे चैटिंग करने में लज्जत महसूस होती है। अगर ईमान हमारे दिलों के अंदर राशिम हो तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा वालहु के इस कलाम के तिलावत की लज्जत और उसके मजे का क्या है। जिसे मुयस्सर आ जाए उसे दुनिया की एक बड़ी दौलत मुयस्सर आए। हमारे अकाबिर और अल्लाह वालों को देखे रात रात भर कुरान मजीद की तिलावत के अंदर लगा दिया। हजरत इकरिमा इब्न अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला, हजरत इकरिमा जो अबू जहल के बेटे हैं, ईमान लाने के बाद हजरत इकरिमा रज़ियल्लाहु ताला का हाल ये होता कि कुरान मजीद बस खोलते, रिवायतों में लिखा हुआ है कि कुरान मजीद खोलकर यूं कहते कि हाज़ा कलामु रब्बी, हाज़ा कलामु रब्बी, हाज़ा कलामु रब्बी, बस ये तो मानते रहते कि ये तो मेरे परवरदिगार का कलाम है, ये तो मेरे रब का कलाम है, ये तो मेरे खुदा का कलाम है। ये कहते कहते ऐसा मस्त रुख पर तारी होता कि बेहोश हो जाते। तो ऐसे शमक था हमारे काबिल और हमारे बड़ों को कुरान मजीद के साथ। बस यही चाहा जा रहा है कि ये ताल्लुक, ये शबक, ये निस्बत हमें भी कुरान मजीद के साथ हो जाए कि कुरान मजीद के पढ़ने में भी हमें मजा और लज्जत हो कि अल्लाह से हम कलामी कर रहे हैं और ऐसे ही कुरान मजीद के सुनने में, कुरान मजीद के समाअत में भी हमें ऐसे ही लज्जत और मजा महसूस हो कि हम तो अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। अगर ये चीज महसूस हो गई तो फिर हमें कुरान मजीद की तेजी, कुरान मजीद की ऊंच नीच, कुरान मजीद के अल्फाज के हजरत कभी कभी कबूल नहीं होंगे। यूं कहेंगे कि हम तो इत्मीनान से कुरान मजीद पढ़ेंगे या कुरान मजीद इत्मीनान से सुनेंगे। तो बस ये जरूरी बात थी जो आपके सामने मुझे अर्ज करनी थी कि हमें कुरान मजीद के साथ जितना ताल्लुक, जितना शरफ, जितनी निस्बत और कुरान मजीद से जितनी मोहब्बत होगी उसके पढ़ने में उतनी ही लज्जत, उतना ही मजा, उसके सुनने के अंदर उतनी ही लज्जत और उतना ही मजा महसूस होगा। तो अल्लाह कुरान मजीद अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा वालहु ने मुझे और आपको एक दस्तूर जिंदगी और दस्तूर हयात बनाकर अता किया। ये कुरान मजीद सारी जिंदगी के लिए एक राह अमल है, तरीके कार है कि जो कुरान मजीद के मुताबिक अमल करेगा, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, इसे अपनी जिंदगी का इस जिंदगी के अंदर इसका अमली जामा पहनेगा तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा वालहु दुनिया के अंदर भी उसे कामयाब फरमाएंगे और आखिरत के अंदर भी उसे कामयाबी से मालामाल करें। तो मुख्तसर अंदाज में कुरान मजीद का उलमा ने हम लिखा है कि हम कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें, खुसूसन इस माह मुबारक में जिसके अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाया, तो हमें कुरान मजीद के तिलावत का एहतमाम हम जैसे इस माह मुबारक में करते हैं वक्त निकाल कर नमाजों के आगे पीछे, इसी अंदाज से वतिया ग्यारह महीने में हमें कुरान मजीद की तिलावत के साथ अपने आप को वाबस्ता करने की फिक्रें और कोशिश करना है। ये दूसरे नंबर पर कुरान मजीद समझना, कुरान मजीद का समझना भी कुरान मजीद का एक बड़ा हक और उसका जुज़ हिस्सा है। इसलिए कि कुरान मजीद सिर्फ पढ़ पढ़ कर रोकने के लिए, कुरान मजीद सिर्फ तावीज़ बनाकर घरों में लटकाने के लिए, कुरान मजीद सिर्फ शादियों में देने के लिए, कुरान मजीद घरों की ताक
के कुद्दूस ने मुझे और आपको अचर किए हैं कि इसे अल्लाह ने अहकामात किए हैं, इसे अल्लाह ने इबरतें बताई हैं, इसे अल्लाह ने उम्मत को सबक दिया है, वाकयात बयान किए हैं, दुनिया और आखिरत के अहवाल को अल्लाह ने बयान किया है ताकि इन चीजों को जाने समझे और समझ कर इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। तो दूसरा हम कुरान मजीद का समझना। तीसरे नंबर पर उलमा ने लिखा है कि कुरान मजीद की तिलावत फिर उसका समझना कि तीसरे नंबर पर कुरान मजीद पर अमल कि जो समझा दे उस पर हम अमल करने की कोशिश करें। इस चौथे नंबर पर हज़रत ने लिखा है कि तिलावत भी की, समझ भी दिया, अमल भी किया, अब इसे चौथे नंबर पर जिम्मेदारी है कि दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों की दूसरों को तिलावत सिखाए, दूसरों को कुरान मजीद समझाए, दूसरों को कुरान मजीद पर अमल करने की तरगीब दे और उसका रास्ता फराहम करे, ये चौथी जिम्मेदारी है। तो ये चार हुकूक कुरान मजीद ने बयान किए गए, तिलावत, उसका समझना और उसके मुताबिक अमल करना और उसकी दावत और उसकी तरगीब और इशारा दूसरों तक उसे पहुंचाना। अल्लाह जल जलालहू व अमन वालों से दुआ है कि अल्लाह तुम इज्जत इस माह मुबारक की बरकत से जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल हुआ, अल्लाह तुम इज्जत मुझे और आपको हमेशा कुरान मजीद के साथ वाबस्ता फरमाए, कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद की तिलावत में मुझे और आपको लज़्ज़त और खुदावंद दूसरा डर और उसकी खशियत नसीब फरमाए और कुरान मजीद को समझने की भी तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद पर हम सब के लिए अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत आसान फरमाए और हमें दूसरों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए कबूल फरमाए। आमीन। वआखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।